Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering, where creativity meets animation and technology knows no bound. So we sit here this all around the launching and exciting e-learning website, which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation, lighting and visual effects. Google, learn with CG artists all around .com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic work. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on ctrs.com. Hey guys, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे. अभी हम लोगों ने सब चीज़ ऑलमोस्ट बना लिया. अभी ये थोड़ा सा पीछे का पार्ट बचा हुआ है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है. जैसे ये पार्ट थोड़ा सा नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, ये कुछ एक पार्ट है जिसको हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ ये दिख रहा है थोड़ा सा ये पार्ट है. तो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं ये किस टाइप का पार्ट है. ओके, और कुछ रेफरेंसेज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. मेरे पास अगर ऐसा कुछ रेफरेंस है तो इसको थोड़ा सा देख लिया है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गए सिंपल सा पार्ट. ठीक है, और जैसे हम लोग ने देख रहा था यहाँ पे कि भाई देख रखा है यहाँ पे क्या चीज़ें हैं. तो लाइक यहाँ से यहाँ पे बस ये व्यूज़ नज़र आने चाहिए. तो मैंने यहाँ पे अनलॉक कर दिया, यहाँ पे डब्लू प्रेस करके ये इधर से इधर कर दिया मैंने यहाँ पे. ठीक है, अभी ये इधर से इधर तो ठीक है, ये देखो ये पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है. अभी इसको सेलेक्ट करके इधर से इधर कर दो यहाँ पे. ठीक है, ये आपको यहाँ पे विजुअल होगा. तो अभी जो हम लोगों को जो शेप बनाना है वो शेप को समझ जाएगा. शेप में बस ऐसा कैसा है, लॉक को लॉक कर लो आप यहाँ पे इधर से. ठीक है, अभी एक पार्ट है ये देखो, इसके दो पार्ट में है. जैसे अगर मैं दिखाऊँ, जैसे मैंने अभी क्या कर रखा है, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, देन आर फॉर स्केल कर दिया मैंने. तो ये स्केल वाला पार्ट यहाँ तक आएगा. ठीक है, और अगर मैं इसको दूँ कहाँ तक है, तो राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ऊपर तक जा रहा है. तो ये डब्ल्यू प्रेस कर दिया है तो ये पार्ट यहाँ तक आ रहा है. ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पर देख रहा है. दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैं देखूँ, ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पर देखा है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स ये मैंने सेलेक्ट कर दिया. ये पार्ट अभी देखोगे आप, यहाँ से आपको लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर, ये पार्ट आपका यहाँ पर. तो आपको समझना पड़ेगा भाई ये शेप्स कैसे हैं, इधर से जो पार्ट दिख रहा है वो कैसा है. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे फिलहाल में जैसे अगर मैं सेलेक्ट कर दिया, मैंने इसे डिसलेक्ट कर दिया, देन एच फॉर हाइट. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे तो ईजी हो जाएगा. अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेलेक्ट एंड एच फॉर हाइट कर दूँ यहाँ पे दिस वन. ठीक है, अभी देखो यहाँ से एंगल नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने इसे देखा दिस वन. ठीक है, ये पार्ट आपका थोड़ा सा और ब्रॉड है, तो या तो आप इसे आप स्केल कर लो आप यहाँ पे. ठीक है, ये पार्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ जस्ट काइंड ऑफ ब्लॉकिंग की पार्ट. देखना अब देखो यहाँ से आपको एक और आइडिया मिलेगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास ये शेप यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और इसी की जो थिकनेस है, थिकनेस को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ. ये थिकनेस है ना यहाँ पे, ये थिकनेस यहाँ तक जा रहा है. अभी देखो यहाँ से ये थिकनेस किसकी है, अगर मैं देखो इसकी थिकनेस करूँ तो ये थिकनेस इसकी नहीं है, ये वाली थिकनेस, या तो इसकी थिकनेस है ये वाली. देखना अभी तो थिकनेस को समझना. ये मैंने अगर यहाँ पर मैंने सेट किया वर्टेक्स, तो अभी यहाँ से मेरे पास कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. ये आपका यहाँ तक है. ठीक, अब देखो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन, इसको सेलेक्ट कर लो, देन इसको आप यहाँ पे वर्टेक्स पे, तो ये वाली थिकनेस आपके पास यहाँ नजर आए. तो समझने में थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे. अभी अगर मैंने इसकी थिकनेस की तो भी मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है. देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ तक है. ठीक है, अभी हमें समझना ही पड़ेगा. देखो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, तो दोनों को सेलेक्ट कर दिया और फिर स्केल कर दिया, ये ऐसा आना चाहिए. बाकी ये पार्ट कुछ और नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, थोड़ा सा सस्पेंस है. ये पार्ट देखना है, अभी ये देखा है तो ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है. ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, और दिस वन ये वाला पार्ट अगर देखा है, ये ऐसा है. ठीक है, तो अभी थोड़ा आइडिया मिला, ये ऐसा सा पार्ट है. साइड में ऐसा भी कुछ लग रहा है यहाँ पे, कुछ एक पार्ट है पॉसिबल. ठीक है, एक बार तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि और चीज़ें क्या हो सकती हैं. ठीक है, तो अगर देखा है तो आप जो थोड़ा सा लाइक आइडिया मिल रहा है वो कुछ इस टाइप से है. ओके, चलो ये हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग एक बार देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है. मैंने सब कुछ अनहाइड डिस्प्ले में जाकर सो एंड ऑल किया, मैंने यहाँ पे अनहाइड किया. जैसे मेरे पास कैसा था लाइक कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा था, मैंने डिस्प्ले में सो एंड ऑल कर दिया, तो अनहाइड कर दिया. अब यहाँ पर मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं मिल रहा, तो मैंने इसको एक और काम किया, मैंने कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट और स्केल डब्ल्यू प्रेस करके. तो बेसिकली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये कुछ एक पार्ट ऐसा भी पॉसिबिलिटीज दिख रही है. ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, एक पार्ट जो नज़र आ रहा है, बाकी इसके लिए कुछ अगर रेफरेंस निकालेंगे तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें इजी हो सकती हैं. ठीक है, ऐसे कुछ कार्ड के रेफरेंस ले लो तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे.
क्योंकि लैक ऑफ प्रेफरेंस है, तो अगर मैं पे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैंने देखा भाई ये एक पार्ट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे बीच में डंडा नज़र आ रहा है, ठीक है, ऊपर से देखो सिलेंडर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये सिलेंडर वाला पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लेंगे। जैसे मैंने अगर यहाँ पे क्या किया, जैसे सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर, है ना, तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया डुप्लीकेट, मूव कर दिया मैंने यहाँ पर, ओके, ओह माय गॉड, ये तो डबल वाला पार्ट यहाँ पर। तो अगर मैं इसको ले रहा हूँ, और छोटा पार्ट क्या है, अभी ये ऐसा पार्ट मुझे नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर आर पार्ट है ये ऐसा, तो या तो चाहो इसको रोटेट कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज लाइक आप सिलेंडर लेके बना सकते हो। मैं तो अगर रोटेट करके काम चला तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो आप सिलेंडर लगाना चाहो सिलेंडर लगाओ, ये लगाना चाहो ये लगा दो, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ से लाइक मैनेजमेंट इन कर देता दुकान पर, ठीक है। फिर से थोड़ा इस वाले पार्ट को मैं डिलीट भी कर देता हूँ, फेसिस पे का मैंने इतना पार्ट डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कर सकते हो, लगे कि सर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, तो सिलेंडर उठा के लगा लो, मॉडिफाई सेंटर बटन। मेरा मानना ऐसा है कि जब आप काम करो, अगर आपके पास वैसा कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसी को यूज़ करो, 10 बार क्रिएट करने से बेटर है एक बार क्रिएट करो उसी को मॉडिफाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो टेक्निकली टर्म्स में जब आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हो तो आपको यहाँ पे चीज़ों को देखने के लिए ईजी हो जाता है। ये देखना अब ये पार्ट मैंने यहाँ पर मैनेज कर दिया है, यहाँ से आपको चीज़ दिख रही है ऑल टच, नीचे से देखो ये देखना अब ऐसा हॉलो है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डबल क्लिक कर दिया, टू कंट्रोल प्रेस करो, टू वर्टेक्स, सेव, राइट क्लिक, मर्ज एंड मर्ज टू सेंटर, ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, बाई चांस लगे कोई कमांड आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट में डाल देना ना, मैं उसको वो चीज़ एक बार बता दूंगा कैसे क्या काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप चीज़ ऐसा बता सकते हो, दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैंने ये काम किया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये आर फॉर स्केल ली, मैं तो सॉ स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा इसको और मैनेज मेंटेन करें तो कैसे कर सकते हैं, एजेस में क्या, देन मैंने आप सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। तो आप इससे भी थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकते हो, सेगमेंट दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट के साथ आप चीज़ों का मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी ये अगर मैंने किया, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने पॉली बेवल किया, बाई चांस मेरे पास ऑप्शन चला गया तो मैं यहाँ पे सेगमेंट्स दे सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑफसेट, आप यहाँ पे थोड़ा सा लाइक, ठीक है, यहाँ पैरेलल है यहाँ पे ऑफसेट, ऑफसेट देखो कुछ हो रहा है, करोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे भी आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करो तो आपका चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ अभी सबके अंदर तो बहुत हम लोग चीज़ों का ऐसा मैनेज मेंटेन कर लें, क्योंकि वुड का जो पार्ट है उन सबों में आपको ये सारे ऑप्शन आपको लेके चलने पड़ेंगे। आपने कर दिया सेगमेंट्स को कितना करना, सेगमेंट्स को कर दिया आपने 2, ठीक है। फ्रिक्शन आपके पास कितना है, फ्रिक्शन 0.5 है, तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, तो 0.3 कर दूँ जो आपको याद भी रहे, तो भी थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सेम है, सब में ऐसी चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो आपका काम इजली हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक ऑप्शन, जैसे मैंने कर दिया सेगमेंट इज 2 एंड फ्रिक्शन इज 0.3, तो ईजी रहेगा। एक ही चीज़ को आपको रिपीट कर देना, ताकि देखो आप यहाँ पे देखो सब कुछ थोड़ा सा इक्वल और बेस्ट मैनेज दिखेगा यहाँ पे। फिर हमने देखा सब कुछ, हमने रीड किया, बाई चांस हम लोगों ने देखा भाई कोई चीज़ छूटा तो नहीं, तो फुल एंड फाइनल हमें यहाँ पे देखने को पता चला कि भाई यहाँ पे एक चीज़ मेरे पास यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ये कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूँ भाई मेरे पास एक बेसिक का शेप नज़र आ रहा है जो यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लाइक टॉप या लेफ्ट ले सकते हैं स्पेस प्रेस को, तो आप यहाँ पे एंगल देख लो आप यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ से विजुअल नहीं हो रहा है, यहाँ से ये भी विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया, जो हमने चीज़ों का मैनेज मेंटेन किया कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से मुझे पता चला भाई ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो ध्यान दिया, जैसे हमने यहाँ पर बाद में किया कि हम लोगों ने जब इसमें एडजस्ट किया तो मुझे क्या लग रहा था भाई ये ऐसा कुछ एक पार्ट है, ये पार्ट में यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अभी ये क्लियर हुआ भाई, क्योंकि हम लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया ये वाला पार्ट ऊपर ये वाला पार्ट है, तो हम लोगों ने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया था, लाइक डिफॉर्मर में जाकर हम लोगों ने लैटिस भी यूज़ किया था कि ये थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाए। तो अभी उसको और मैनेज मेंटेन कर लेता लैटिस पॉइंट पे गया, और अब जाके हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि देखो जब आप रेफरेंस को देखोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर दिया, देन एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री। अभी यहाँ पे सिर्फ चाहिए मुझे, तो अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसके अंदर डिटेलिंग हमने दिया वो एक पर्पज़ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो इसके अंदर तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ तो इसी चीज़ को अगर मैं एक जस्ट एक पार्ट में ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल डी डुप्लीकेट ऑल्ट एच, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, एजिस में गए, कंट्रोल प्रेस कर दिया, रिंग कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, टू फेसेस एंड डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, कोई ये चीज़ मुझे बनाने की नीड नहीं है,
बन गया शिफ्ट राइट क्लिक सेपरेट, दो ऑब्जेक्ट को अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे सेपरेट, सेपरेट हो गया ये पार्ट में, बस यहाँ पे आ गया। अगर देखा जाए तो अभी मैं इस चीज़ को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट अभी ये यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया और ये लास्ट वाला है जिसको छोड़ दो, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो शिफ्ट राइट क्लिक एंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ब्रिज, ब्रिज कर दिया तो ब्रिज में सब कुछ जोड़ गया, ठीक है, हमें मैनुअल नहीं करना पड़ा। यहाँ पे कई बार ग्रीन ऐसा आ जाता है तो घबराने का नहीं, राइट क्लिक करके असाइन एक यहाँ पे लंबर्ट या प्लेन डाल दो, ये ठीक हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच ये कर दिया, लेफ्ट व्यू में गया, लेफ्ट व्यू में कैसा व्यू आ रहा है फोकस करो ये आ रहा है, फ्रंट में गया, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मॉडिफाई एंड सेंटर पिवट, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर, देखो तो पहले तो आप थिकनेस की मैनेजमेंट कर लो, वर्टेक्स यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेसो टूल, फोटोशॉप अगर आपने किया हो तो आपको लेसो पता होगा, ठीक है। देखो ये काइंड ऑफ ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये देखो यहाँ से ये देखो, अभी मैं आप क्या करूँ ऑल्ट प्रेस करके सॉरी कंट्रोल प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके मैंने डिसलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया और इसको मैं आप एक कंट्रोल शिफ्ट एंड वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट, कुछ खास डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। तो मुझे फिर मैनुअली ऐसे डील करना पड़ेगा, थिकनेस कैसी है यहाँ पर देखना है, फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है राउंड भी है ना, अब राउंड कैसे बनाए, राउंड बनाने के लिए यहाँ पे क्या रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पकड़ा मैंने इसको बीच में कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसा हो सकता है फिर F4 फोकस 4 एंड 5 वो सी ये पार्ट, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया साइज को सेलेक्ट कर दिया, सेफ राइट क्लिक एंड बेवल और सेगमेंट दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं अलग से बनाता तो ज़्यादा टाइम लगता है, देखो इसी में से मैंने बना के दिया, तो देखो सेफ आपका ऐसा आ गया, मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर दिया, डब्लू प्रेस कर दिया एंड फ्रंट, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डब्लू डी एंड वी, मिडिल माउस बटन, ठीक है, तीन की दबेंगे डी वी एंड मिडिल माउस बटन, यहाँ से मैंने यहाँ से रोटेशन दे दिया यहाँ पे, डब्लू प्रेस कर दिया, वी मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया यहाँ पे। अभी ये अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे बेटर नहीं है, यहाँ से मैं क्या इसको अगर मैं इस पे दूँ, जैसे ये पार्ट दिखा इसके अंदर से निकल गया है, तो मैंने पहले पार्ट चेंज किया डी वी एन मिडल ऑफ बटन यहाँ पे, वी एन स्नैप कर दे यहाँ पे, वी वी स्नैप, ठीक है। परस्पेक्टिव में जाकर क्रॉस कर देखो, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे ये स्नैप करने से मुझे पता चला भाई मुझे अगर ये पार्ट ऐसे नहीं है तो इतना पार्ट तो पहले बाहर होना चाहिए ऐसे। तो अभी मुझे यहाँ से क्या पता चला, मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके दे सकता हूँ, देखना ये काइंड ऑफ इसके टच में रहना चाहिए, लेफ्ट में गए फ्रंट में गए, यहाँ पे टच में कैसा आएगा ऑल टच लेफ्ट फोकस एंड फ्रंट। अब देखो यहाँ पे जाओ तो मुझे यहाँ पे कैसे करना है, ये पार्ट मुझे ऐसा करना है जो उसके टच में जाए, ठीक है। तो ये मैं ऐसे में मैनेजमेंट को मेरे पास यहाँ पे थोड़ा निकला हुआ है ताकि थोड़ा सा दिखे। फिर यहाँ से अगर मैंने थोड़ा सा स्केल किया तो स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्केल करने में कई बार चीज़ें खराब हो जाएंगी तो ध्यान देना क्या कैसे स्केल करना है, ये तो किसी एक्सेस पर स्केल होना, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा ध्यान देकर स्केल करना है, ठीक है, चीज़ें खराब ना हो, ठीक है, कैसा खराब जाएगा सोच समझ के स्केल करना, कि मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो कैसे कर सकता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे क्या, देखो यहाँ से अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ मेरे सेफ कैसा जा रहा है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो आपका सेफ है यहाँ पे सेफ कैसा है यहाँ पे, ये मेरा फ्रंट वाला सेफ यहाँ पर आना चाहिए, ये वाला सेफ मुझे लेकर आना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेफरेंस मेरा काम हो गया है, अभी मैं यहाँ पे दिस वन यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, देन दिस वन यहाँ से मैंने ये सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास यहाँ पे सेफ नज़र आ रहा है, देखो ये पार्ट इसके साथ अगर यहाँ पे दूँ तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे नज़र आएगा क्या, देखो यहाँ से मुझे क्या पता चला, देखो सॉरी हमने थोड़ा सा रेफरेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्योंकि रेफरेंस में थोड़ा चीज़ें अलग दिख रही थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जस्ट डी एंड वी से मैं मैनेज कर लूँगा प्राइवेट को और देन मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, तो मुझे आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, ये मैच किया, देखो यहाँ से इतना पार्ट आ गया, वो वाला पार्ट मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मतलब इसके अंदर में ना अगर देखा है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक दिखा तो मुझे फिर इसकी थिकनेस भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि भाई इसकी थिकनेस है तो थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, है ना यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा और काम करूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ फ्रंट फोर स्पेस बार एंड यहाँ से मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं या तो मैं इसके वर्टेक्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ या मैं दो दूसरा ऑप्शन दूँ इन सबको थोड़ा अंदर कर दूँ,
तो अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स को मैनेज करूँ तो मुझे उधर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर कर दूँ तो डेप्थ अपने आप दिखेगा, ठीक है, ये डेप्थ आपको दिखेगा। ये ध्यान देने कोई सब सही नहीं जा रहा, सब सही जाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो पहले शिफ्ट एंड कंबाइन, या शिफ्ट एंड कंबाइन किया, सेपरेट कंबाइन किया, अभी मैं पीछे करूँ तो देखो डेप्थ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। अभी ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रंट में गया, देन मैंने यहाँ पे फोर प्रेस कर दिया। तो अभी यहाँ से अगर आपको देखा लाइनें कैसा है, लाइनें मैंने यहाँ पे देखो, अभी यहाँ दिखना है मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है, तो फोर एंड फाइव गॉट इट, ये पार्ट मैं यहाँ से देख सकता हूँ। तो अभी ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, भाई मैं पे अगर कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए कैसे मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है। राइट पे गए यहाँ पे देखना पे, तो मेक श्योर ध्यान देना क्या कहीं पर कुछ चीज़ अगर लगेगी तो यहाँ पर लग रहा है कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ऐसा फील हो रहा है, देखो ये इधर है इधर, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने सेलेक्ट कर दे दिस वन एंड देन आप इसको ऐसे मैनेज मेंटेन भी कर सकते हो। बाई चांस कभी हम लोग मूव करे तो इधर उधर एंगल पे भी मूव हो जाता है, तो जब देखे उसे ठीक ठाक कर लो। ये गेम ने यहाँ पे अभी ये देखो इसके बाद मैं कनेक्टिविटी दे रहा हूँ, तो मैं दूर से मेरे पास इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मेरे पास पार्ट नज़र आ रहा है और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, देख रहे ये काइंड ऑफ ये मैं ऐसे दूंगा तो मिले ईजी हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे कुछ बना लूँ तो मेरे को यहाँ पे एंगल मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये थिकनेस है, थिकनेस साथ हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं और लगे तो वर्टेक्स पर और मैनेज कर लोगे। तो एक पार्ट हमने ये कर दिया, इसके बाद हमें कुछ और तो नहीं बनाना है ना, ये भी कर दिया हम लोग ने यहाँ पे, ये सिंपल सा पार्ट तो मैनेज मेंटेन हमने कर दिया। अभी एक छोटा छोटा पार्ट हमें यहाँ पे ऐड ऑन करना है, छोटे छोटे पार्ट में या तो देखो मैं सब मैं स्कल्पिंग करके चलूँ या मैं सब मॉडलिंग के साथ यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर लूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बस क्या पार्ट है, जैसे सपोज मैं तो आपको दिखाता हूँ दिस वन, ठीक है, अभी जैसे यहाँ देखो ये सबों के अंदर, ठीक है, वन टू थ्री एंड फोर यहाँ पर मैंने कर दिया सिंपल सा पार्ट, ये यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट एंड एच कर दिया यहाँ पे। अभी मैं इसको शिफ्ट एंड कंबाइन कर दूँ यहाँ पे तो मेरे पास काम हो सकता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच दिख रहा है यहाँ पे, इस वन ये पकड़ने में ईजी हो जाएगा, ये पकड़ने में ईजी हो जाएगा, ठीक है, और रेफरेंस के साथ जैसे देखो वन दिख रहा है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जस्ट वाईफाई ऑन कर लो तो दिखेगा दिस वन वन टू थ्री फोर, ये सब अगर हमने कर रखा है, ये हम लोग अलग अलग करने का बेनिफिट हमने बना लिया। अब ये पार्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया शिफ्ट एंड कंबाइन, ज़्यादा नहीं पकड़ना पड़ेगा मुझे, सिर्फ एक बार क्लिक करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया एच फॉर हाइट तो पता चल जाएगा ना, कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो आप ऐसे भी कर सकते हो वन टू एंड थ्री, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ना, ईजी हो गया। ओके, यहाँ पर हम लोग एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सेवन, शिफ्ट प्रेस करके आपको सेलेक्ट करना, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया मैंने यहाँ पे, हुआ कि नहीं, शिफ्ट एंड कंबाइन, ठीक है, वन टू देखो यहाँ पे क्या दरवाजे का है, ठीक है, यहाँ देखो दरवाजे का पार्ट भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, वन टू थ्री, लास्ट में ये सब करना पड़ता है, तो शिफ्ट एंड मैंने कर दिया कंबाइन, ये भी मैं अब काम कर सकता हूँ, दिस वन ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अब इनको अभी मुझे एक सिर्फ डोर करना, तो वन टू एंड थ्री शिफ्ट एंड कर दिया मैंने कंबाइन, तो मेरे पास यहाँ पे कंबाइन हो गया यहाँ पे, तो मैं इसे डोर कर सकता हूँ, तो मेरे पास नंबर्स ऑफ जो होंगे ना कॉपी वो कम हो जाएंगे, जैसे वन टू थ्री देखना है भाई, फोर यहाँ से कहीं कुछ छूटे नहीं, ये फाइव, ठीक है, ऑल टेन कर देंगे यहाँ पे, देखना भाई सिर्फ टेन कर दिया मैंने कंबाइन, अभी कंबाइन करने का बेनिफिट तो वही बता रहा, लेकिन मुझे ज़्यादा मेहनत ना देना जैसे वन टू थ्री एंड फोर एंड कंबाइन, मैं एक साथ नहीं कर रहा, जो जिसका पार्ट है वन टू अभी सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, एजिस पे गए, अभी सबको एजिस पे गए, शिफ्ट राइट क्लिक एंड बेवल एजिस, बेवल एजिस दिख रहा है, बेवल एजिस में गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया फ्रिक्शन सेगमेंट को मैंने कर दिया टू, कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं देखा मैं सेगमेंट्स के देखो सेगमेंट्स कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे मैंने टू किया, फ्रिक्शन मैंने कर दिया पॉइंट थ्री, ठीक है, लेकिन ये इसका हो रहा है इसका नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो देख रहे भाई, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो मुझे ये चीज़ देखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया अंडू एंड अंडू यहाँ पे, ठीक है, तो कई बार ऐसा लगे कि मैं जो काम करूँ बहुत अच्छा नहीं जा रहा हूँ, तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, एजिस इसको सेलेक्ट कर लो, एजिस पे गए सेलेक्ट दिस वन शिफ्ट एंड बेवल एजिस, बेवल एजिस दिख रहे हैं भाई, बेवल एजिस में गए एंड सेगमेंट मैंने कर दिया टू, है ना, ये आ गया इसका, फ्रिक्शन पे गए पॉइंट थ्री, ये नंबर याद रखना, एक एक नंबर को आपको जस्ट मैनेज मेंटेन करना है। अब यहाँ पे चीज़ आपको ऐसे बेटर दिखेगा, वाईफाई ऑफ कर दो, ये डेप्थ देखा, ये वाला डेप्थ इधर नहीं आ रहा मुझे बिकॉज ऑफ ये मॉडलिंग में आपने मिस किया है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो व्हाट वी वांट, हम लोग को ये सब कुछ लेके चलना पड़ेगा, सेफ राइट क्लिक एंड बेवल एजिस,
ये प्रोडक्शन के लिए अगर आप जा रहे हो तो प्रोडक्शन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग दोनों चीज़ लेके चल रहे हैं भाई, प्रोडक्शन गेमिंग में कैसे क्या काम करना है। जो हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, रीटोपोलॉजी करना पड़ेगा। तो ये पहले प्लान हमें कर लेना चाहिए कि भाई ऐसे में क्या करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये पार्ट देख रहे हैं, देखो ये अभी मैं अगर इन दोनों को एक साथ भी कर दूँ, जैसे ये और ये मैंने कर दिया, सेफ्ट एंड कम्बाइन भी कर दिया, सपोज मैंने कर दिया, तो अगर मैं एजिस पर सब पे गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे एजिस कैसे लेने हैं, यहाँ से देखो ये कॉर्नर एजिस, तो इसके अंदर मैंने कुछ एजिस भी दे दिया है ना, तो अभी ये भी आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, मुझे देख पाते में सेगमेंट तो देनी है, ठीक है। तो अगर मैंने सेगमेंट्स कर दिया टू एंड यहाँ पे मैं गया फ्रिक्शन पे, पॉइंट थ्री कर दिया मैंने, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, देखो यहाँ पे तो ये लाइनें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे मैं अलग से मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो अगर इससे मुझे बचना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो मैंने सिलेक्शन किया ना, इन सिलेक्शन से मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ से मैं देखता हूँ सिर्फ ही ये मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या ऑल टच, मेरे पास दिक्कत कहाँ पे, यही दो आ रही है ना, एक दो तीन चार है ना। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एजिस में जाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो गए क्या, देखो हुआ ना, मैंने कहा ना कुछ अगर हम लोग मैनेजमेंट करते हैं फ्रंट में और बाई चांस कुछ आगे पीछे हो जाएगा तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डब्ल्यू देखना भैया कर लेने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे गए सिंपल से एजिस पे गए, एजिस में जाकर मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम डबल क्लिक करना है, कंट्रोल डबल क्लिक, ये मैंने कर दिया, मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। ये बात जा रहा है, इससे मेरा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। ये काम अगर मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पर। देन मैंने यहाँ पे कर दिया बेवल एजिस, सेगमेंट्स यहाँ पे फिक्सन कर दें, पॉइंट थ्री कर दिया, यहाँ पे कर दिया टू, देन एंटर। तो अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपके पास चीज़ें ईजी हो जाएंगी यहाँ पे, गॉट इट। तो अभी दोस्तों मैनेजमेंटन होगा, तो मैंने दो तरीके बता दिए आपको कैसे क्या क्या काम करना है। देखो दूर से भी बहुत अच्छा सा देख रहा होगा यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। तो प्रोडक्शन में अगर आप कभी भी जाते हो तो ये आपको बेवल एजिस करना भूलना नहीं है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखा ये पार्ट है, यहाँ पे मैंने दे दिया है, ध्यान से देखो इस पे दे दिया, इस पे नहीं दिया है, यहाँ पे देखा यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे एक एक को पकड़ के मैनेजमेंटेन करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया ऑल्ट एंड एच, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करना है समझना। ये मैंने यहाँ पे जैसे अगर मैंने एजिस को सिलेक्ट कर दिया, दिस वन पूरा सिलेक्ट कर दिया, कोई को नहीं है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बेवल एजिस तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आने वाली है। तो फ्रिक्शन कर दिया पॉइंट थ्री एंड टैब, ये आपका क्या टू एंड, ठीक है, एंटर एंड देन ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दिस इज गुड। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो धीमी धीमी चीज़ आपके थोड़ा सा बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे वन टू थ्री फोर एंड फाइव दिख रहे हैं। सेफ्ट एंड यहाँ पर मैंने कर दिया कम्बाइन ऑल टच, एजिस को पकड़ना, ठीक है। अभी देखो एजिस कैसे पकड़ सकता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे एजिस कर दिया, तो एजिस यहाँ पे देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे फंस जाऊँगा मैं यहाँ पे, इसमें मुझे सिर्फ बॉर्डर पे करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम भी किया कुछ भी, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो एक तरीका बताता हूँ, डबल क्लिक सेफ्ट एंड डबल क्लिक, सेफ्ट लेफ्ट और बटन एंड डबल क्लिक, ठीक है। ये मैंने कर दिया अच्छे से, ठीक है, कन्वर्ट कर दो। कन्वर्टिंग क्या होता है, कंट्रोल एंड राइट क्लिक, ठीक है, टू एजिस एंड एजिस। तो सिलेक्शन में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अभी अगर मैंने कन्वर्ट किया, सिफ्ट एंड डबल क्लिक यही दिखना है ना, तो सिफ्ट एंड डबल क्लिक, इस पर जाकर मैंने मैनेजमेंटेन कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अगर मैनेजमेंटेन कर रहे हैं तो आइडिया मिल जाएगा, सिफ्ट एंड डबल क्लिक, सिफ्ट एंड डबल क्लिक एंड ऑल्ट एंड मिडल ऑफ बटन से मैं पैनिंग कर रहा हूँ, सिफ्ट एंड डबल क्लिक, ठीक है, ऑल्ट एंड राइट क्लिक, देखो यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी ये मैंने एजिस सेलेक्ट कर लिया, तो ये तरीका होता है, सिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे क्या बेवल एजिस पे गए, सेगमेंट पे गए, यहाँ पे पहले फिक्सन को करो, पॉइंट थ्री टैब टू एंड देन यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर दिखे यहाँ पे। अब फिक्सन मैंने कर दिया, मैनेज कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉफ्टनेस स्मूथनेस के साथ बहुत बढ़िया नज़र आएगा। फिर थोड़ा सा बाहर निकलते हो और लग रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, अंदर है तो ज़्यादा बेटर है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, डबल प्रेस कर दिया, मैंने थोड़ा सा पीछे कर दिया यहाँ पे, गॉट इट, ये ऐसा, ठीक है, ये मैंने हल्का सा पीछे कर दिया। तो हम लोग थोड़ा सा मैनेजमेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, तो बाहर ना निकले, ओके, तो बेटर देखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या, ये दिस फोन, ये सारा पार्ट में बस यहाँ पर आ रहा है। डुप्लीकेट करने के टाइम पे भी आप काम कर सकते थे, तो भी आपका काम आसानी से हो जाता, ठीक है। ऑल्ट एंड एच यहाँ पे देखो, तो ये मैंने चीज़ मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे देखो चीज़ छूट रहा है, ये इसलिए कर दिया सिर्फ, ठीक है, एंड ऑल्ट एंड एच कर दिया मैंने। अभी यहाँ से भी अगर मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ तो कैसे कर सकता हूँ,
सबसे पहला बात इनको सबको कर लो कंबाइन, सेलेक्ट एंड कंबाइन कर सकते हो। धीमे धीमे देखो आपके ऑब्जेक्ट कम होते जा रहे हैं, कंबाइन करते करते ऑब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा तसली से काम करो, डबल क्लिक कर दे 1, 2, 3 एंड 4। ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। सेफ्ट एंड डबल क्लिक, सेफ्ट एंड डबल क्लिक एंड सेफ्ट एंड डबल क्लिक, ये कर दिया हमने। यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे, तो देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, मुझे दिखाना है क्या। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे देखें तो सेफ्ट एंड डबल क्लिक एंड सेफ्ट एंड डबल क्लिक कर दे। ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया सेफ्ट एंड डबल क्लिक और देन सेफ्ट एंड डबल क्लिक, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं इतने को बेवल कर दूंगा, मुझे अगर अंदर दिखाना है जो यहाँ दिखाना है तब मैं करूँगा, नहीं दिखाना तो नहीं करूँगा। तो मैं एक बार कर ही देता हूँ, ठीक है। सेफ्ट एंड बेवल एजेस सेम वंडर, फ्रिक्शन पे गए 0.3 एंड टैब यहाँ पे गए 2, ठीक है। तो मैं बस देखो सॉफ्टनेस नहीं आ पा रहा है ना, अरे देखो इसमें इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ सॉफ्ट नजर आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा, इसलिए मैंने ये चीज़ रखा है। तो अभी बॉक्स की तरह से मत कर देना, जैसे बॉक्स में सबको सेलेक्ट कर दिया था और उसके साथ अब मैनेजमेंट नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है और कैसे आपको काम करना है, ठीक है। ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सेफ्ट एंड डबल क्लिक एंड सेफ्ट एंड डबल क्लिक, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया सेफ्ट एंड डबल क्लिक, ठीक है। एंड सेफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। बेवल एजेस में गया फ्रिक्शन को कर दिया 0.3 एंड 2। तो अभी देखो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा होगा, कंट्रोल सेफ्ट एंड एज। अभी ऑलमोस्ट चीज़ों को देखोगे तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, किसी भी चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे। जैसे देखो अभी यहाँ पे अगर मैं साइनिंग नहीं दिख रहा, जैसे ये दिख रहा है मेरे पास बॉर्डर है ऑल टच, तो मुझे इसको भी डील करना पड़ेगा। इसको डील करने का मतलब क्या हुआ, जैसे दिख रहा है यहाँ पे ये डबल क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे मैं सबको सेलेक्ट करके मैं मैनेज करूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे बाद में तो रिटोप्लेज करनी है। एंड सेफ्ट एंड बेवल एजेस, बेवल एजेस में गए फ्रिक्शन पे गए 0.3 एंड टैप 2 एंड देन ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे हो गया, देख रहे हैं। अभी सॉफ्टनेस कितना बढ़िया नज़र आ रहा है। तो ये प्रोडक्शन में आप जाओ तो प्रोडक्शन के लिए ये आपका काम आने वाला है, मेक श्योर कहीं कुछ छूटे नहीं। बाद में नहीं कहना कि सर हमें बताएंगे आपने, प्रोडक्शन में ऐसे भी काम हो रहा है, प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इसमें दो चीज़ का मिक्सर बनाया है, ये आपको प्रोडक्शन के लिए भी बता दिया। बाई चांस तुम्हें से कोई गेमिंग में नहीं जाने वाला तो लाइक यहाँ पे आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो, फ्रिक्शन में करो 0.3 एंड कर दे 2, आप उसको लगे तो उसमें चेंज भी कर सकते हो। देखिए ये पार्ट यहाँ पे मिले, यहाँ पर मैंने क्या अगर यहाँ पर टॉप 3 कर दूँ तो भी मेरे सैंपल चाहिए कोशिश हो सकती है, यहाँ पर मैंने कर दिया 0.2 तो भी काम हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो हर एक मॉडल के अंदर आपको सॉफ्टनेस स्मूथनेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो आपका मॉडल लिखा है ऑल्टन एच, ये मॉडल है, इसमें देखो ये आपका नर्व्स का मॉडल है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉडिफाई में गए एंड मैंने कर दिया कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है। एडिट रीसेट, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जर्नल यहाँ पर आपने कर दिया लास्ट ऑप्शन, यहाँ पर आपने कर दिया लास्ट ऑप्शन, ठीक है। देन यहाँ पर ट्रायंगल के जगह क्वाड कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया, तो मेरा सैंपल मॉडल यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपने सेलेक्ट कर दिया, एडिट में गया एंड डिलीट हिस्ट्री। दो मॉडल हैं जिसमें लो सेगमेंट है उसे डिलीट करना है क्योंकि नर्व्स हैं, ये हाई पॉली है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेट कर दिया क्योंकि हम लोग को पॉली ही लेके जाना पड़ेगा ZBrush में। अब देखो यहाँ पे मैं मगर मुझे यहाँ तक लगता है मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ों में मैंने सेगमेंट्स का एक रोल दे दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखो यहाँ पे हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो, जैसे मैं उसमें दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे, यहाँ पर अगर मुझे नज़र आएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो स्मूथनेस वाला पार्ट नहीं था। अगर यहाँ पर मैं जाकर स्मूथ जैसे मैंने कहा सेफ टाइम स्मूथ करूँगा यहाँ पे तो चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल में, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पर कर दिया, अभी धीरे धीरे आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लोगे तो ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ओके। तो ऑलमोस्ट हमने कर दिया है डन, ठीक है। फिर हम लोग लेके चलेंगे ZBrush में, अगर कुछ बचा होगा तो उसमें फिर मैनेज मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये गाइस ये आपका कार्ट रेडी हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास आर्नोल्ड एंड स्काईलाइट स्काई डोम, देन आप यहाँ पे ऐसे रेंडर कर सकते हो। रेंडर में जाके देखोगे तो आपका सरेंडर दिखेगा, माया में नहीं, आपको यहाँ पे आर्नोल्ड पे करना पड़ेगा, तो आप आर्नोल्ड पर रेंडर करके देख सकते हो आप यहाँ पे, तो आपका आउटपुट नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रेमिंग देख लो, फ्रेमिंग कैसा होता है, मेरे पास एक फ्रेम है यहाँ पे, देखो फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे, फ्रेमिंग में मैंने यहाँ पे किया, मैं सेट करता हूँ इतने ही अंदर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे करके रेंडर कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। आप थोड़ा सा रैंडम टाइम लगेगा लेकिन आपको ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कैसे आप क्या काम कर सकते हो। आई सजेस्ट जैसे आपने राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट किया आपने यहाँ पे और देन आप यहाँ पे
कलर चेंज कर दो थोड़ा सा, लाइक डार्क कलर करना ताकि वो थोड़ा सा अच्छा सा देखें यहाँ पे। डार्क में जैसे आप कर सकते हो कोई भी ऐसा कुछ कर दिए, तो लाइक ये पार्ट दिख रहा है। और देन राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, यहाँ पे साइनिंग भी आती है, तो साइनिंग के लिए आपके यहाँ पे ये थोड़ा सा काम करना, आपके पास रिफ्लेक्टिव भी काम कर देना आप यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो आपका रेंडर आउटपुट बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। देखो अभी कुछ चीज़ बच गई है, तो ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट हमने जो मटेरियल दे रखा ब्लेंड, तो सबको सेलेक्ट कर देना, राइट क्लिक करना साइन, यहाँ पे ब्लेंड कर देना, तो बाई चांस कोई छूट गया हो तो ये आपका पास यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका ये आपका आर्ट के अंदर हो गया और फुल एंड आपका मॉडल कंप्लीट हो गया।